एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव से जुड़ी अपडेट। कल पहले चरण का मतदान है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होने हैं। चार चरणों में जो पूरी प्रक्रिया है उसे रखा गया है। प्रथम चरण के मतदान के लिए शनिवार को प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम चुका है। सोमवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चलिए अधिक जानकारी के साथ सीओगी लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनावों के प्रथम चरण का मतदान कल किस प्रकार की व्यवस्थाएं? देखिए बिल्कुल, देखिए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रथम चरण का जो मतदान है वो 23 नवंबर यानी कल सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक होगा। 21 जिलों में यह जो चुनाव है वो करवाई जा रहे हैं, जिसमें कल 48 घंटे चुनाव के मतदान के 48 घंटे पहले यानी कि 21 नवंबर को शाम 5 बजे से सभी राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा जो सार्वजनिक सभा जुलूस निकालने और दर्शन जो दूरदर्शन या इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के जरिए जो प्रचार किया जाता है वो सब बंद हो चुका है। सब संगीत समारोह और अन्य के जरिए जो नाट्य अभियान के जरिए और मनोरंजन कार्यों के जरिए जो चुनाव प्रचार होता था वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ साथ अब जो बात करें तो 21 जिलों के 65 पंचायत समितियों के 1310 प्रत्याशियों और उनसे संबंधित जिला परिषद के जो सदस्यों के लिए मतदान है वो 23 नवंबर यानी कल शुरू होगा। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसको लेकर जो सभी जो 65 पंचायत समितियों में जो चुनाव होंगे, पहले चरण का मतदान होगा, उसके लिए करीब 25,000 के करीब ईवीएम मशीनें हैं, उनका उपयोग किया जाएगा। उसकी भी तैयारियां है पूरी की जा चुकी है। आज सभी जो मतदान केंद्र है वहां पर जो मतदान दल है उनको रवाना किया जा रहा है, ताकि कल सुबह से पूरी तैयारियों के साथ सुबह 7:30 बजे से मतदान है वो शुरू हो जाए। उसको लेकर भी पूरी तैयारियां वो की जा रही है। करीबन 50,000 से ज्यादा जो कार्मिक है वो चुनाव संपन्न करवाने में जुटे हुए हैं, ताकि पूरी व्यवस्थाओं के साथ किसी अव्यवस्थाओं के साथ में जो चुनाव है वो हो जाए और शांतिपूर्ण चुनाव हो। कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है, उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सहित कोरोना संबंधी जो गाइडलाइन है उसका भी सुनिश्चित पालन करवाए, इसकी भी पूरी तैयारियां है निर्वाचन विभाग की ओर से वो की गई है। साथ साथ बात करें तो संपर्क के दौरान जो प्रत्याशियों को जो सावधानी बरती है उसको भी पूरी तरह से पालन करने के निर्देश वो दिए गए हैं, ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा है वो नहीं हो। बात करें तो पहले चरण में जो 10,131 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जहां पर 72,38,066 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 65 पंचायत समितियों में जो मतदान हो रहा है इनमें जो 72 लाख के करीब जो मतदाता है वो अपना मताधिकार प्रयोग करेंगे। इसमें 37,47,347 पुरुष और 34,90,696 महिला मतदाता वो मतदाता है। साथ साथ 23 अन्य मतदाता भी इसमें अपना मताधिकार का उपयोग है वो करेंगे। साथ साथ अब जो पहले चरण का मतदान हुआ इसके बाद में 3 चरणों के और मतदान संपन्न होंगे। उसके बाद में 8 दिसंबर को ये जो मतदान होगा उसकी मतगणना है वो एक साथ करवाई जाएगी। और इसी बीच में निर्वाचन विभाग की ओर से जो तैयारियां की गई है उन तैयारियों के साथ में कल सुबह 7:30 बजे से मतदान है वो शुरू होगा। इस बार तकरीबन आधा घंटा मतदान का बढ़ाया गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए और व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए मतदान में ये आधे घंटे का समय है वो बढ़ाया गया है। इसी के साथ बात करें तो जो 65 पंचायत समिति के अलावा जो अन्य जो पंचायत समितियों के चुनाव है वो जो दूसरे तीसरे और चौथे चरण के चुनाव है वो इसके बाद में आयोजित करवाए जाएंगे। उसमें भी इसी तरह से कोरोना संक्रमण का प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखा जाएगा और उसी दिशा निर्देशों के अनुसार जो मतदान है वो संपन्न करवाया जाएगा। जी लोकेश, जिस प्रकार से कोरोना की स्थितियां पिछले दिनों पनपी है, क्या कोरोना की जो गाइडलाइंस अब नई सामने आई है उसका असर इन चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, हालांकि प्रचार तो थम चुका है कल से, लेकिन क्या कुछ हद तक असर पड़ेगा इन चुनावों पर कोरोना की नई गाइडलाइंस का? देखिए बिल्कुल, जैसी बात करें तो पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्यों के लिए चुनाव है, ऐसे में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शहरों में यह चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं होती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी चुनाव प्रक्रिया होती है, ऐसे में वहां पर इसका कोई असर खासा असर वो नहीं देखा जाएगा। हालांकि कोरोना का संक्रमण का खतरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसके चलते मतदान प्रतिशत में कुछ गिरावट है वो नजर आ सकती है। जो कोरोना संक्रमण को लेकर जो प्रोटोकॉल है उसको
सुनिश्चितता के साथ पालन करवाना है वो विभाग की जिम्मेदारी है, वो रखी गई है। उसको देखते हुए भी जो मतदाताओं को जागरूक करने का काम है मतदान के लिए वो किया जा रहा है। साथ साथ बात करें तो कोरोना संक्रमण प्रोटोकॉल का, तो उसको सुनिश्चित पालन करवाने के लिए पूरे निर्देश है वो दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस जाप्ता है वो तैनात किया जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो 21 जिलों में यह जो चुनाव है वो करवाए जा रहे हैं, जिसमें जयपुर में अभी चुनाव है वो नहीं है। ऐसे में जयपुर में किसी तरह का जो प्रभाव है वो नहीं देखा जाएगा। हालांकि सीकर, झुंझुनू, जो अन्य जिलों में जो बात करें तो जिसमें अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिलों में ये मतदान हो रहा है। ऐसे में उदयपुर में कोरोना का संक्रमण काफी अधिक देखने को मिल रहा है, बीकानेर में अधिक देखने को मिल रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में भी जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी, ताकि कोरोना का जो खतरा है वो नहीं देखा जाए। हालांकि जो धारा 144 जिन जिलों में लगाई गई है वहां पर जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें किसी तरह की जो रोक है वो नहीं रखी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इसमें धारा 144 और कर्फ्यू का किसी तरह का प्रभाव वो नहीं देखा जाएगा, लेकिन कोरोना का जो खतरा बढ़ता जा रहा है उसको लेकर सावधानी अधिक बरती जाएगी, इसका विशेष ध्यान है वो रखा जाएगा। चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।